तो नमस्कार मेरे दोस्तों, तो एक और वीडियो में मैं आ गया हूँ। तो इस वक्त पे मैं खड़ा हुआ हूँ भाई तिलक नगर मेट्रो गेट नंबर 4 पे। तो भाई यहाँ पर मैं एक बार दुकान दिखाऊंगा आपको। इस दुकान पे मैंने ऑलरेडी क्रिसमस के टाइम पे एक वीडियो करी थी, शॉर्ट चढ़ाया था हमने, तो काफ़ी भाई टेस्टी शोरमा रोल बनाया था। तो इस तरफ से हमारा निकलना हो रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना इस शोरमा रोल वाले भाई की पूरी वीडियो कर दी जाए, जो कि इतना टेस्टी शोरमा रोल बनाते हैं, रोड साइड लगाते हैं, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के जस्ट बाहर ही है गेट नंबर 4 के। सेटअप देख लो, सेटअप में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल प्यारा सा सेटअप है, ठीक है। और भाई काफ़ी टाइम से लगा रहे हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग है, तो भाई टेस्ट तो होना ही है, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे लगाते हुए आ रहे हैं। मैंने सुना है, जानते हैं कितने सालों से यहाँ पे लगा रहे हैं और अपना शोरमा भी लगवा लेते हैं, और शोरमे के साथ साथ यहाँ पर मैंने सुना है कि बर्गर भी ये बनाते हैं। और बर्गर का प्राइस वगैरह और शोरमा का प्राइस वगैरह भाई के मुँह से जानेंगे। चलिए तो भाई इतनी मेहनत से भाई यहाँ पे शोरमा रोल बना रहे हैं, तो मैं पूछ ही लेता हूँ भाई कितना टाइम हो गया यहाँ पर बनाते हुए? 2 साल हो गए भैया। 2 साल हो गए, तो भाई 2 साल कम टाइम नहीं होता। तो भाई एक बार नाम भी बता दो हमारे दर्शकों को। सिराज नाम है मेरा। सिराज, तो भाई भाई का नाम है सिराज। तो भाई एक देख लो एक बार, ये है, ये रोटी है, पीटा ब्रेड है, क्या है? पीटा रोटी है। पीटा रोटी है, तो भाई देख लो, पीटा रोटी है, पीटा रोटी है, ठीक है। और ये बर्गर है, तो भाई देख लो, बिल्कुल ठीक ठाक सेटअप है, बिल्कुल अच्छा सा क्यूट सा सेटअप है। और भाई उस तरह भाई ने चिकन मिन्स रखे हुए हैं काफी सारे, और इसको चॉप भाई करते रहते हैं, और गर्म रहता है ना पूरा? हाँ जी, गर्म रहता है, बिल्कुल रहता है। तो भाई क्या टाइमिंग रहती है वैसे यहाँ पर आपकी? 5 बजे से लेके 11 बजे तक। 5 से 11 बजे तक की टाइमिंग। तो भाई क्या प्राइस क्या रहता है शोरमा का वैसे? शोरमा का रोल का प्राइस है 50 का, बर्गर 60 का है। बर्गर 60 का है। तो भाई इस तरफ अगर आपका आना हो रहा है, तो भाई इस चीज़ को ज़रूर मिस मत कीजिएगा। ये जेल रोड की तरफ ही, जैसे बाहर आप अंदर से निकलोगे ना जेल रोड की तरफ से, तो ये गेट नंबर 4 यहीं पे पड़ेगा मेट्रो स्टेशन के। तो भाई हम भी इसको इंतज़ार ना कराते हुए अपना भी शोरमा रोल लगा लेते हैं, और जैके लिए लगा लेता हूं मैं एक बर्गर। तो भाई देखते हैं खा के ज़रा टेस्ट कि वही जायका है कि नहीं आज से, जो हमने 1 साल पहले खाया था, या उसमें कोई चेंजेस कर दिया है भाई ने। चलो भाई, भाई हमारा भी लगा। तो भाई यहाँ पे चल रहा है अपना शोर मचाने वाला, शोरमा की तैयारी। तो भाई देख लो कितना शोर होता है शोरमा को बनाने के वक्त। तो भाई ये है अपना प्यारा सा क्यूट सा सेटअप, यहाँ पे भाई ने बन वगैरह रखे पड़े। और भाई हाँ, अगर किसी के पास पैसे ना हो, पेटीएम वगैरह भी लेते हैं भाई, देखो छुपा के रखा हुआ भाई। और ये है भाई दुकान का इनका छोटा सा क्यूट सा पोस्टर बैनर, तो भाई ये देख लो, बिल्कुल सेटअप बिल्कुल क्यूट सा है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई ने कोई कमी छोड़ी है अपने एंड से, भाई पूरा कोशिश करते हैं, बहुत हार्ड वर्क से बनाते हैं। तो भाई ये बन रहा है अपना बर्गर, ये अपना ही है। तो भाई 60 रुपये में एक बार बर्गर की फिलिंग देख लो भाई, अच्छी खासी फिलिंग कर रखी है। तो भाई भाई से मैं एक बार पूछूंगा, भाई इतनी फिलिंग दे कैसे देते हो 60 रुपये में? पड़ती है तो भाई पड़ती है तो दे देते हैं। तो भाई देख लो भाई, जैसा गाँव वैसा देश, ईमानदारी से एकदम बता दी भाई, ईमानदारी। तो भाई ये देख लो भाई, इसके अलावा भी भाई रुक नहीं रहे, भाई अपने सर से सॉसेस डाल रहे हैं। भाई कौन सी सॉस है वाली थी? तंदूरी है भैया, तंदूरी सॉस हो गई। लो भाई, लो भाई बर्गर में आपको तंदूरी सॉस मिल गई, तो तंदूरी बर्गर शोरमा बन गया है, तंदूरी शोरमा बर्गर बन गया जी भैया। तो भाई इसके 2 पीस करवा लेते हैं। तो भाई ये हो गया अपना बर्गर तैयार। और भाई इस तरफ शोरमा सेम भाई वही फीलिंग है, बस पीटा ब्रेड लगा दिया भाई ने, ठीक है, पीटा ब्रेड की रोटी। और ये लो भाई अपनी मेयोनीज, और ये हरी चटनी चला पी, और सजा लेते अपनी टेबल। तो दोस्तों लग चुका है अपना बर्गर और शोरमा रोल, चिकन शोरमा रोल। तो भाई ये बर्गर देख लो एक बार, 3-3 चटनी वाला बर्गर है भाई, मेयोनीज डाल रखी है, हरी चटनी डाल रखी है, और साथ में हमने ले रखी है तंदूरी सॉस। तो भाई ये सॉस हमने ऑन डिमांड ली है, वैसे आप यहाँ पे आके ले भी सकते हैं भैया से, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और बाकी कस्टमाइज़ कराना चाहे तो कस्टमाइज़ भी कर देंगे भैया वैसे तो, ठीक है। तो भाई ये देख लो फिलिंग देख लो, अच्छी खासी फिलिंग है, बर्गर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और टेंडेंसी देख लो भाई कितना जूसी है चिकन। तो भाई अब करते हैं बर्गर की टेस्टिंग। शोरमा मैंने यहाँ पे पहले ट्राई कर रखा था, इसलिए मैं शोरमा पहले नहीं खा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं बर्गर थोड़ा सा पहले टेस्ट कर रहा हूँ। और भाई लगा ली मैंने मिक्स सॉस, सबसे पहले मैं तो बताना चाहूँगा बहुत गर्म है, तो ध्यान से खाइए अगर खाना है तो। दूसरा टेस्ट वही भाई, सेम पुराना टेस्ट, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जूसी बर्गर है, ठीक है। बाकी चिकन काफ़ी अच्छे ज़्यादा कुक कर रखा है, और इंग्रेडिएंट्स जो डाल रखे हैं ना भाई ने, जो मसाले वसाले डाल रखे हैं, बिल्कुल नॉर्मल डाल रखे हैं, कोई बच्चा भी खा सकता है इसको। तो ओवरऑल बताऊँ तो बर्गर काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, यमी है, और ये मस्ट ट्राई चीज़ वाली है भाई।
तो इस चीज़ को मिस मत करना भाई, अगर ज़िंदगी में आपने ये बर्गर नहीं खाया ना तो कुछ नहीं खाया। तो भाई बर्गर को रखते हैं अब साइड में, अपना चिकन शोरमा रोल उठा लेते हैं। ये मेरा भाई ऑल टाइम फेवरेट है, ठीक है। कभी कभी तो मैं एक्सरसाइज करने के बाद भी इसको खा लेता हूँ, एज अ चीट मील भी ले लेता हूँ और एज अ प्रोटीन डाइट भी हो जाती है मेरी। भाई शोरमा को जूसी शोरमा रोल कहूँगा मैं, काफ़ी ज़्यादा जूसी है, चिकन वही है, ठीक है। बाकी भाई मैं तो आपको कहूँगा कि हमारा चैनल जो है स्ट्रीट फूड को ज़्यादा प्रमोट करता है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ऊँची दुकान पीके पकवान, तो भाई यहाँ तो दुकान भी नीचे है और पकवान भी बहुत अच्छा है और प्राइस भी सबसे ज़्यादा रीज़नेबल है। 50 रुपये में आपको मिल जाएगा शोरमा और 60 रुपये में जस्ट बर्गर मिल जाएगा आपको, वो भी तीन तीन चटनी वाला बर्गर। तो भाई इस चीज़ पर ज़रूर फोकस रखिएगा, अगर इस तरह आपका आना हो रहा है तो इस तरफ ये चीज़ ज़रूर खाइएगा, मिस मत कीजिएगा और एक बार टेस्ट ज़रूर लेके देखिएगा, ज़रूर आप हमारी वीडियो को याद रखेंगे। चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं और मिलते हैं ऐसी एक जायकेदार वीडियो में। जब तक लिए बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट मेरे दोस्तों, चलिए।